तरफ जहां देश में चुनाव परिणाम और सत्ता में मोदी की मैजिकल वापसी की धूम रही, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली। जाकिर मूसा, एक खूंखार आतंकी, उसे सेना ने ढेर कर दिया। पुलवामा के त्राल क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ और भीषण गोलीबारी के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर और अब जम्मू कश्मीर आईएस के कमांडर आतंकी जाकिर मूसा को मार गिराया। 11 घंटे तक चले ऑपरेशन में मूसा को आखिरकार रात के 2 बजे ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों और एसओजी की टीम को खबर मिली कि त्राल के ददसरा गांव में मूसा एक दवाई बेचने वाले दुकानदार के घर में छिपा हुआ है। फौरन पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। सेना ने ऑपरेशन के बीच जाकिर मूसा से सरेंडर कराने की कोशिशें भी की। इसके लिए घर के मालिक को बात के लिए अंदर भी भेजा, लेकिन जाकिर मूसा ने सरेंडर से इनकार कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने उस पूरे घर को उड़ा दिया। जाकिर मूसा का मारा जाना, जाकिर मूसा जो है वो अंसार गजावतुल हिंद, जो कि एक अलकायदा की एफिलेट थी, उसका चीफ था। और खबरें आ रही थी कि अभी हाल ही में आईसिस और अलकायदा आईएसआई के फ्लैग के नीचे मिलकर कश्मीर के अंदर गड़बड़ करने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसे मौके पर जाकिर मूसा का मारा जाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, एक बहुत बड़ी विक्ट्री है और कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी को एक बहुत बड़ा धक्का है। जाकिर मूसा की मौत के बाद घाटी में हिंसा की आशंका को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है और त्राल के ददसरा गांव समेत पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है।